क्योंकि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री जी आगे कर ये मेरी भूली इनका चैनल सब्सक्राइब कर लाइक कर। दीदी को देख रहे होंगे कैसे हाथ से पेंटिंग कर रही है, और ये है मधुबनी पेंटिंग बता रहे हैं भाई। मेरी दीदी अंजलि दीदी वैसे भी ये हमको भगा रहे हैं यहाँ से कि चले जाओ यहाँ से, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहले हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत, आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अंजलि की भारत की राजधानी से, जहाँ से अंजलि को निकाला था। हम लोग अपने मामा जी के घर पे आए थे, वो आपको पिछले वाले ब्लॉग में नहीं पता चला था कि हम लोग किन के यहाँ रुके थे। और ये है मेरा भाई, मेरा भ्राता श्री। नमस्ते गाइस। तो ये है मेरा भाई अनुभव, यानी मेरे मामा जी का लड़का। हाँ तो गाइस नमस्ते, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं उत्तराखंड वाली का चैनल। तो गाइस फोन मत दिलाना, फोन नहीं दिलाना, फोन को ऐसे पकड़ के रखना। मैं व्लॉगिंग की थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख रहा हूँ, तो डोंट माइंड इट। तो ये है मेरी दीदी, हाय। ये मेरी दूसरी दीदी, ये इनकी बहन है। ये कौन है? मेरी मम्मी। ये पापा, पापा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बैक कैमरा। तो ये बहुत देर से बोल रहा था कि दीदी ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बनाओ। और दिल्ली में हमें बहुत मजा आया, 2 दिन हमें दिल्ली में हो गए हैं, आज दूसरा या तीसरा दिन है। हम तो इनकी दिल्ली आ गए, हम ये कब आएंगे हमारे देहरादून? दीदी बस जल्दी एग्जाम है मेरे, फिर आते। तो फिर हम लोग INA मार्केट सबवे में आ गए हैं। तो सोनू की काफी इच्छा थी कि हम लोग मार्केट घूमे। कभी भी दीदी के साथ मार्केट नहीं गया हूँ, दिल्ली में। हाँ देहरादून में गया था एक बार, दिल्ली में कभी। क्या तो अंजलि को यहाँ पे ग्रीन साड़ी पसंद आ रही है? ग्रीन कौन सी? हाँ हाँ वाह, ये कम्बल है, ये तेले लेंगे हम। बता अंजलि बता, ये वाली पसंद है? और मेरे को ये वाली, ये ऊपर वाली। अंजलि को ग्रीन वाली पसंद है, तेरे को कौन सी पसंद है सोनू? मुझे तो ये गाउन, ये तो इसकी वाइफ के लिए लेंगे हम, ठीक है? मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करेगा? यहाँ पे अलग तरह की गोभी देखने को मिल रही है, कौन सी गोभी है ये? पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी है, अंजलि दीदी खींचिए पहला। डरावनी पहले देखिए, बहुत ही ड्रैगन फ्रूट अगर आपने खाया होगा गाइस। मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नई नई देख रही हूँ, ऐसे केले मैंने पहली बार देखे। मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। मार्केट में सब्जियाँ ऐसी ऐसी है जिनको मैं पहली बार देख रही हूँ। ये देखिए कितने अलग तरह की सब्जियाँ हैं यहाँ पे। क्या केले आगे से ऐसे मतलब केले धमकी दे रहे हैं कि अगर नहीं लिया तो। तो हम लोगों ने आज सोचा था कि हम लंच करने बाहर ही आएंगे, क्योंकि सोनू की फरमाइश थी कि हम दीदी लोग आ रखे हैं तो वो एक ही दिन यहाँ पे रुक रहे हैं। वैसे भी ये हमको भगा रहे हैं यहाँ से कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तो साफ साफ झूठ बोल रहे हैं दीदी, मैं ऐसा कुछ, मैं तो कह रहा हूँ एक हफ्ता रुक के जाओ, एक हफ्ता भी नहीं, एक साल। और मैं तो अपने फेवरेट मोमोज दिखाऊंगा। हाँ, और मैं चाप खाऊंगी अपने फेवरेट। मेरा तो पेट फट गया यार, इसने अभी ना मुझे ही खिलाया, पता है? पहले बोला ये भी मंगाओ वो भी मंगाओ, और उसके बाद फिर मुझे खिलाया, दीदी खाओ ना आप मोटे हो। देख मामी लोग फोटो खींच ले, जाओ जाओ। तो यहाँ पे हमारा फोटो शूट सेशन चल रहा है, फैमिली का फैमिली। और ये देखो ये मेरी टोपी पहन रही है, पहन पहन, गुड गुड, ये कैसा लग रहा है गाइस? बहुत बड़ा हीरो लग रहा है, हीरो। देख उसकी बहन भी हीरोइन है, तो भाई हीरो होगा यार, दुनिया को पता है यार। नहीं एक मिनट, आपने कुछ गलत बोल दिया है। क्या आपकी दूसरी वाली बहन हीरोइन है? ये अच्छा, ये ज्यादा इसके मन की बात होगी, भारत की राजधानी में इसके मन की बात हो गई की राजधानी। मैं जब घर जाऊंगा ना तो शायद हाँ? के व्लॉग में हाँ? मेरे थोड़े हाथ पैर टूटे हो, क्योंकि मैंने दीदी की बहुत बड़ी बेइज्जती। और मुझे कह रहा अगर मैं बुरी हूँ तो ये मेरे को जाने नहीं देता, मेरे को बोल रहा दीदी प्लीज मत जाओ, एक दिन और रुक जाओ। नहीं बोल रहा ठीक है दोस्तों, मैं आज ही जा रही हूँ, आज शाम को, आज रात की बस से मैं यहाँ से जा रही हूँ। और दिल्ली पुलिस को इन आतंकवादियों की तलाश है, कृपया अगर आप इनको देखिएगा, रियाज आमिर शाबदरी, पता नहीं क्या नाम है, मोहम्मद खालिद, भयंकर मोहम्मद खालिद, और मोहसिन चौधरी, ये चौधरी भी होता है आतंकवादी। और तो, क्या दीदी? अच्छा दीदी सॉरी, इनाम मिलेगा उनको खूब सारा, करोड़ रुपए मिलेंगे अगर किसी ने आतंकवादियों के बारे में बता दिया तो। देगा कौन? मैं दिल्ली पुलिस देगी, दिल्ली पुलिस, केजरीवाल जी देंगे, केजरीवाल जी। आज ना आज मुझे लगा था कि मैंने मोदी जी को सबको ही सामने देखा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अरविंद केजरीवाल जी को सामने देखूंगी, लेकिन वो आए नहीं थे वहाँ। क्यों नहीं आए तुम्हारे मुख्यमंत्री? क्योंकि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री नहीं आते। क्यों नहीं आते? प्रेसिडेंट आते और प्राइम मिनिस्टर आते। कोई क्यों, जो जो दिल्ली स्टेट का ना सबसे मुख्य होगा ना, CM होता है वो, पर जो मेन होता है 26 जनवरी में वो होता है। ऐसा नहीं होता, तो जो यहाँ का मुख्य है उसको तो आना चाहिए ना, PM तो पूरे देश का होगा ना। पर जो मुख्य गेस्ट होता है हाँ वो होता है वो प्रेसिडेंट, जैसे कि हमारी जो अभी है मिस द्रौपदी मुर्मू। पर केजरीवाल जी को नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था, बट बाकी उनका
बुलाया नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, केजरीवाल जी आप बिल्कुल नाराज मत होइए, आपको बुलाया था, आप आए क्यों नहीं। गाइस आपको एक बात बताऊं, दीदी मुझे नहीं लगे 26 फरवरी। अरे यार टिकट की प्रॉब्लम थी ना, टिकट बुक हुई नहीं हमारे, बड़ी मुश्किल से हुई इसलिए। अगर आपको आतंकवादी मिल जाएंगे तो दिल्ली पुलिस को कॉल करना इस नंबर पे। तो हम लोग आ गए हैं दिल्ली हाट में। अंजलि ने आज यहाँ पे दुकान नहीं लगाई है, अंजलि दुकान नहीं लगाई। वाह अंजलि यहाँ देखो, तो यहाँ पे अच्छी अच्छी ज्वेलरी है। अंजलि पसंद ना करी मैं दिलोड़ पल, चल वजह। तो हम लोग दिल्ली हाट में आए हैं और यहाँ पे काफी सारी जो आप घर में डेकोरेट करते हैं सामान, वो सारी चीजें हैं। और ये है मधुबनी पेंटिंग, बता रहे हैं भैया लोग, कह रहे हैं कि हाथ से पेंटिंग होती है, मैं पहली बार सुन रही हूँ, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। आप यहाँ पे दीदी को देख रहे होंगे कैसे हाथ से पेंटिंग कर रही है, और कह रही है कि ये मुल्तानी मिट्टी और न्यूज़पेपर उन सब से बनाए गए हैं, और जो इस पे पेंटिंग हो रखी है ये उन्होंने हाथ से कर रखी है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और ये किसी भी काम आ सकती है घर में, जैसे कि वो दीदी को पूछेंगे। अपने डिजाइन बनाते हैं किस काम आते हैं ये? ये तो टी ट्रे है। अच्छा ट्रे है, काम में यूज। अच्छा तो आप पीछे अंकल जी को भी देखिए कि वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं और अपने ही हाथ से बना रहे हैं। क्या होम मेड है, खुद से बना रखे हैं। सीख लो यहाँ से हमारे भ्राता श्री, आप भी सीखिए कुछ। नहीं दीदी हम लोग अभी सरोजनी नगर जाने वाले थे, मतलब जा ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत सामान लेंगे और घूम घाम भी करेंगे वहाँ से। यहाँ का डॉन है ये बता सकता है, तो यहाँ की हर खबर है। बताओ सरोजनी नगर खुला है आज? वैसे ये पहाड़ी हीरो है भाई, इसको गढ़वाली बोलनी नहीं आती, थोड़ा सा सुना दे। हाँ मैं तो पहली बार आया हूँ व्लॉग में। सबने बोलना है भाई बाद में, कि सोनू को बोलो थोड़ा गढ़वाली ही बोल दे। के कर ये मेरी भुल्ली, इनका चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक कर। भुल्ली भुल्ली हूँ मैं, पता नहीं है दीदी। हाँ दीदी क्या बैजी बैजी हूँ मैं। खाना खा ली कब जा? तो हम लोग सरोजनी नगर जाने के लिए बस में आ गए हैं। आप लोगों को पता ही होगा, दिल्ली वालों को, सभी को पता है कि दिल्ली में लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है, कहीं भी जा सकते हैं। सुनो लड़कियों के लिए फ्री है ना, बच्चों के लिए भी है, आधा टिकट है इनका बच्चों का, पर लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री है, तो हम लोग फ्री का आनंद लेंगे। तो सरोजनी नगर जाने के रास्ते पे हमारे दूसरा भाई हमें मिल गया, आरव। आरव रोज मेरे व्लॉग देखता है, देखते हैं आरव? हां जी बहुत अच्छे आते हैं। ये मेरा बेस्ट भाई, इंदा वाले भाई तो भाई है मेरा, बेस्ट भाई है। अच्छा स्टार्टिंग में अंजलि को फूल दिख गए और उसकी नजर यही अटक गई। क्या मेरे फेवरेट फूल? ओहो चलो इसको गिफ्ट कर दूं, यहाँ पे है नहीं दुकानदार, कहीं हमने देश की राजधानी में गाली खा दी। सूर्य ससवाल से बात की थी, हाँ तो ये हमारा भाई है आरव। सुरेश ससवाल से बात की थी, नंबर भी है। अच्छा बढ़िया, तो दोनों सुरेश के फैन है, अगर सुरेश देख रहा है तो देखो तुम्हारे फैन है यहाँ पे। आप तो प्रभु हो, महाप्रभु। अच्छा सुरेश की तारीफ करो जरा, क्या तारीफ? बहुत अच्छा व्लॉग बनाते हैं, मैंने उनके बहुत व्लॉग देखे हैं। और आपका दूसरा चैनल भी है असवाल जी, असवाल जी का बेटा, डाउन टू अर्थ बहुत है। हाँ बहुत है, यहाँ पे सुरेश के बहुत ही छोटे छोटे फैन भी हैं, मतलब जो कि सुरेश की बहुत तारीफ कर रहे थे। मेरा भाई तो बोल रहा था वीडियो कॉल कराओ, तो मैंने सुरेश से बात कराई इसकी। हम लोग सरोजनी मार्केट जा रहे थे, लेकिन आज 26 जनवरी है तो वहाँ पे मार्केट बंद हो रखा था पूरा, अब हम लोग वापस जाएंगे, थक भी गए थे। मैं 25 तारीख को दिल्ली आई थी और आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख को हम लोग वापस जा रहे हैं, तो एक दो दिन में भी हम लोग काफी जगह घूम गए, और मेन मकसद यहाँ पे 26 जनवरी देखने का था। और आप लोगों ने जितनी भी शुभकामनाएं दी गणतंत्र दिवस पे, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए फिर समय आ चुका है आज के व्लॉग को यहीं पे खत्म करने का, बहुत जल्दी मिलूंगी मैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।